कांग्रेस ने तेलुगुदेशम से इत्तेहाद करके गलती की। बीजेपी के कौमी तर्जमान मुरलीधर राव का रिमार्क। बीजेपी के एक सीनियर लीडर ने आज इल्जाम आयद किया है कि तेलंगाना में मुकाबले का तेलुगुदेशम पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से इत्तेहाद करते हुए एक बड़ी गलती की है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी पी मुरलीधर राव ने कहा कि कांग्रेस को नतीजे के ऐलान के बाद अपनी गलती समझ में आएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तेलुगुदेशम पार्टी का कोई वजूद नहीं है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की जेर क्यादत तेलुगुदेशम पार्टी के बारे में अवाम में मुनफी रुझान पाया जाता है, जो ये समझते हैं कि ये मुखालिफ तेलंगाना पार्टी है और वो रियासत की तरक्की में रुकावटें पैदा करती है। मुरलीधर राव ने कहा कि कांग्रेस ने तेलुगुदेशम पार्टी से इत्तेहाद के जरिए एक बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ही टीआरएस का एक बेहतर मुतबादिल साबित हो सकती है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भी तेलंगाना के अवाम के साथ एक गहरा ताल्लुक रहा है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि रियासत में पार्टी के वोटों के फीसद में इजाफा होगा। 2014 के इंतखाबात में बीजेपी ने 7% वोट हासिल किए थे, जिसमें अब गैर मामूली इजाफे की तवक्कु है। बीजेपी के कौमी तर्जमान ने कहा कि त्रिपुरा में किसी जमाने में बीजेपी के वोटों का फीसद एक भी नहीं था और एक नशिस्त भी नहीं थी, लेकिन अब पार्टी इस रियासत में बरसर इख्तदार है। उन्होंने इन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया कि बीजेपी टीआरएस से इत्तेहाद करेगी।